बिफोर हेयर कलर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक है, सच अ डार्क ब्लैक, एंड आफ्टर वाओ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। I'm very excited for my new hair color that Shama has given me. It took her whole day and she did everything very patiently. I'm so happy. Mwah. Thank you so much. God bless. I'm so happy. Thank you. Thank you. गाइज आज के टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं आज आप लोगों को इस हेयर कलर के साथ साथ ओलाप्लेक्स भी बताऊंगी कि किस तरह से करना है, तो चलिए देखते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? यस, क्वारंटाइन टाइम, आइसोलेशन, बोर हो गए क्या? जी हाँ, आप लोगों के सामने बहुत ही ब्यूटीफुल एक वीडियो में लेके आई हूँ। जी हाँ, ये सारी वीडियोस मेरी स्टॉक वीडियोस हैं, तो चलिए देखते हैं। आज का ट्यूटोरियल है इजी हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशन, हेयर कलर ट्यूटोरियल इन हिंदी, फॉलियाज, बेबी लाइट्स, हाईलाइट्स। यस गाइस, अगर जानना चाहते हैं कि मैंने इस खूबसूरत हेयर कलर को कैसे किया है, तो मेक श्योर गाइस कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा ये खूबसूरत सा हेयर कलर मैंने कैसे किया है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फेसबुक फ्रेंड्स के साथ अगर अच्छा लगता है, तो लाइक भी कर दीजिएगा। और बताना चाहती हूँ कि अगर इसी तरह आप मेरा वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन को भी क्लिक कर दीजिएगा, तभी आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सकता है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट इनके बाल पूरे वर्जन ही है। लास्ट ईयर मैंने इनके बालों में कलर किया था जो नीचे आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। गाइज, अभी जो टेक्निक है मैं जो यूज़ कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स के ऊपर, बताना चाहती हूँ जो टेक्निक है विच इज़ कॉल्ड फॉलियाज एंड बेबी लाइट्स। यस, पूरे टेक्निक में मैं बैक कॉमिंग करूँगी, फॉलियाज, ओमरे एंड बेबी लाइट्स, थ्री टेक्निक के साथ मैं इस प्रोसीजर को करूँगी। तो मेक श्योर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारे कलर कॉम्बिनेशन मैं मेंशन करूँगी, मैं इनको यूज़ कर रही हूँ इनके बालों में 12.3 मेजलिफ्ट लॉरियल का एंड 12.5 जो कि 30 वॉल्यूम के साथ मैं मिक्स कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आज मैं यूज़ करने जा रही हूँ लॉरियल प्रोफेशनल के हेयर कलर, विच इज़ माई फेवरेट लॉरियल ब्रांड। और यहाँ आप देख सकते हैं 30 वॉल्यूम है, 12.5 और 12.3 दो बोल में मैंने मिक्स किया है, मिक्सिंग रेशो होगा 1:2, तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे आप सेक्शनिंग ध्यान से देखिए कि सेक्शन मैंने किस तरह से लिया है। क्राउन सेक्शन को मैंने स्पेशल अलग से टक कर दिया है, फ्रंट के दोनों सेक्शन को पार्टीशन डिवाइड कर दिया है टॉप ऑफ द हेड से टॉप ऑफ द ईयर तक के, और बैक साइड का सेक्शन आप देख ही सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला सेक्शन हम लेंगे डायगनल बैक, और उसके बाद यहाँ पे हम करने वाले हैं बैक कॉमिंग। अच्छे से बैक कॉमिंग करना है, और बैक कॉमिंग करने के बाद फॉइल पेपर को नीचे अच्छे से देखिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहला कलर लेना है 12.3, जी हाँ, जो कि हल्का सा गोल्डनिश कैरमल इफेक्ट देगा, तो दिस इज़ कॉल्ड 12.3।
यस, तो इसको आपने लगाना है। और इसको भी एप्लीकेशन हम नीचे नीचे ही करेंगे, तो रूट्स से बिल्कुल भी नहीं करना। रूट्स से ऑलमोस्ट हम बैककमिंग कर चुके हैं, बिकॉज हम थोड़ा सा इनको ओमरे इफेक्ट भी दे रहे हैं नीचे नीचे, ओमरे थोड़ा सा चंक्स जैसे दिखने वाला है यहाँ पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, इसलिए नीचे नीचे ही आपने एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12.3। तो आगे देखते हैं। तो आगे भी जो सेक्शन होने वाला है वो होगा डायगनल बैक सेक्शन, और उसके बाद डायगनल बैक सेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम बताइए क्या करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं फॉलियाज 1, 2, 3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मैंने हाइलाइट्स लिया है थोड़ा थिक, और उसके बाद बैक कॉमिंग कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं नीचे लगा रही हूँ फॉइल पेपर, और उसके बाद कलर एप्लीकेशन करूँगी, और ये कलर होगा आपका 12.5। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने 12.5 लगाया है और बैक कमिंग किया है। सो गाइस, दिस इज़ कॉल्ड फॉलियाज। फॉलियाज में थोड़ा थिक सेक्शन लेंगे, और जब आप कलर करते हैं इसमें भी आपने नीचे नीचे ही करना है, रूट्स में बिल्कुल भी नहीं करना है। रूट्स तो ऑलरेडी बैक कमिंग कर चुके हो। इसके बाद जो ब्लेंडिंग आने वाली है ना, दैट गोइंग टू बी अमेजिंग, फैबुलस ब्लेंडिंग आने वाली है गाइस। तो जिस तरह मैंने लेफ़्ट कंप्लीट किया है, अब मैं आती हूँ राइट सेक्शन में। तो राइट सेक्शन में अगेन आपने डायगनल बैक लेना है, और इसी तरह आपने फर्स्ट सेक्शन आपने ओमरे करना है। तो चलिए देखते हैं। तो लेफ़्ट जैसे मैंने आपको बताया, पहला आपने ओमरे किया बैक कॉमिंग करने के बाद, उसके बाद जितने भी आपने हाइलाइट्स बांधने हैं, मतलब जितने भी आपने सेक्शनिंग करने हैं, उन सभी में आपने अभी फॉर द टाइम बीइंग बैक में आपने क्या करना है, फॉलियाज करना है। तो ये रहा आपका राइट सेक्शन। इसमें पहला सेक्शन आपने क्या करना है, बैक कमिंग करके आपने यहाँ पे करना है ओमरे। तो मैं ये फर्स्ट सेक्शन कर रही हूँ ओमरे, मतलब हल्का सा बैक कमिंग करके नीचे नीचे यहाँ पे कलर एप्लीकेशन कर रहे हैं 12.3। तो आगे देखते हैं। राइट साइड में आपने देखा मैंने क्या किया, जी हाँ, ओमरे किया फर्स्ट सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में हम लेने वाले हैं फॉलियाज। जी हाँ, फॉलियाज करना है आपने सेकंड सेक्शन में। इसमें आपने बैक कमिंग करना है, पतला पतला सेक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सा मीडियम सेक्शन लेना है, और यहाँ पे हमने क्या करना है 12.5 एप्लीकेशन करना है। इसी तरह पूरा बैक साइड आपने फॉलियाज कंप्लीट करना है। ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लेफ्ट और राइट बैक साइड का कंप्लीट किया है। पहले मैंने ओमरे लिया, उसके बाद फॉलियाज किया। अब मैं आती हूँ यहाँ पे जो सेक्शन है, यहाँ पे लेंगे हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ऑटोमेटिक यहाँ पे ये बन जाता है पहले वी, उस वी को आपको रिमूव करके ऐसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, और फिर 90 डिग्री में उठा के बैक कमिंग करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट अगर आपने लगाया था 12.3, तो आपने लगाना है 12.5। तो मेक श्योर गाइस कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा ना कि भाई मैंने ये कलर कैसे किया है। काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैम आपने ये किया, मैम ये होगा, मैम वो होगा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे काफ़ी टाइम से फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, अब मैं आ जाती हूँ फ्रंट सेक्शन में। फ्रंट सेक्शन में जब मैं आती हूँ, तो यहाँ पे पहला सेक्शन होगा डायगनल बैक। डायगनल बैक सेक्शन लिया, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। जी हाँ, बैक कमिंग किया, मतलब जिस तरह बैक साइड में फर्स्ट वाला सेक्शन को मैंने ओमरे किया है, सेम फ्रंट में भी हमने ओमरे करना है ना, और उसके बाद बैक कमिंग किया है। और ये देख सकते हैं 12.3 कलर जो मैंने यहाँ पे लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन लिया डायगनल बैक। तो सारे जब आप डायगनल बैक सेक्शन लेते हो, तो आपका जो उसके बाद जो लास्ट और फाइनल रिजल्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा मर्जिंग होता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है, और सबसे अच्छी बात है कहीं भी लाइन क्रिएट नहीं होती, काफ़ी ब्लेंडिंग नज़र आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी सेक्शन में फॉलियाज कर रही हूँ। तो यहाँ पे बताइए कौन सा शेड मैंने लिया है। जी हाँ, 12.5।
सो बताना चाहती हूँ, जिस तरह आपको मैं ये लेफ़्ट साइड कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, इसी तरह आपने राइट साइड में भी करना है। सो गाइस, आप इस चीज़ को घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट हेयर कलर। कैसे? कंडीशनर लिया और आपने लिया है फॉइल पेपर, और अपने घर में एज अ सिस्टर होंगी या मदर होंगी उनके बालों में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है, मैनी क्वींस तो है, डमी तो होगी ना, जी हाँ, अपने डमी में प्रैक्टिस कीजिएगा फॉइल पेपर को बांधने की, किस तरह से फॉलियाज करते हैं, किस तरह से बेबी लाइट्स करते हैं, एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस तो जारी रहेगी। और जब एक बार सलोन ओपन हो जाएगा उसके बाद अपने सलोन में कीजिएगा ऑन द क्लाइंट। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे बालों में एप्लीकेशन करने के बाद फॉइल पेपर को, अब ये रहा मेरा चार नंबर मेजरल का फोन नंबर 20 वॉल्यूम के साथ लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा रूट्स में ग्रे है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूट्स में ही एप्लीकेशन कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा थोड़ा ही एप्लीकेशन करना है जस्ट फॉर ग्रे कवरेज। सो येस, आफ्टर दैट पूरे बालों को रिंस करना है, एक माइल्ड वॉश अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ओलाप्लेक्स नंबर 2, और यहाँ पे मैं अच्छे से रूट से लेके एंड तक इनके बालों में ओलाप्लेक्स नंबर 2 लगाऊंगी। और उसके बाद अच्छे से रिंस करने के बाद कंडीशनर, अच्छे से मास्क लगाना है, एंड देन यू कैन सी हेयर, वाओ ब्यूटिफुल। जी हाँ, बताना चाहती हूँ अगर आप ओलाप्लेक्स सेम डे करते हैं कलर के बाद, तो हेयर कलर जो में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल शाइन क्रिएट हो जाता है, और शाइन के साथ साथ आपका जो है कलर प्रोटेक्शन का भी काम करता है, स्ट्रेंथ भी देता है, और सबसे अच्छी बात है कि बाल रफ नहीं होते हैं, ड्राई नहीं होता। ओलाप्लेक्स जो है बॉन्ड परफेक्टर कहते हैं उसको, बॉन्ड मल्टीप्लायर्स कहते हैं, जी हाँ, जिससे आपके बॉन्ड्स जो है मजबूत रहते हैं, बालों की जो बॉन्ड्स होते हैं वो मजबूत रहता है, स्ट्रेंथ रहती है बालों में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये हेयर कलर, लग रहा है ना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, विदाउट ब्लीच। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो Yes guys, she is my very regular client and she is very very happy with my all work. Whenever she comes, she loves my work. Thank you guys for watching my video. कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्यूटोरियल? Yes, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कैसे लगा। Yes, और अगर अच्छा लगता है शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। नंबर 2, आपने क्या सीखा? नंबर 3, आप आगे क्या सीखना चाहते हैं? जी हाँ गाइस, अगर अच्छा लगता है शेयर ज़रूर कीजिएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यस, तो बोर नहीं होइएगा, मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय।